अजूनही घरामध्ये विधवा सून। उमा तुझं आवडते। मी जिवंत असेपर्यंत तुला कोणी स्पर्श सुद्धा करू शकणार नाही। हमारी जिंदगी में जिंदगी के जो सवालात होते हैं उनके जवाब ढूंढने की क्वेस्ट है। हर आदमी को अपनी जिंदगी से जुड़े हुए जितने अलग अलग पहलू हैं वो पहलू समझने की क्वेस्ट है। मैन वुमन रिलेशनशिप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कॉम्प्लेक्सिटीज को उनकी गहराई को और समझने की क्वेस्ट है। एक तो मैं बताना चाहूंगी कि इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म, बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, कंटेंट में बोल्ड है। मतलब आप ऐसा मत सोचिए बहुत बोल्ड सीन्स होंगे इसमें, बट कंटेंट वाइज इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म। और अमोल पालेकर ऑल फिल्म्स इससे पहले जो उन्होंने बनाई है वो सारी फिल्में एक अलग किस्म की फिल्में हैं, जिसमें आपको कुछ एक अलग सोच मिलती है, एक नई दिशा मिलती है, उसका कंटेंट अलग होता है और ही हैज हिज ओन ऑडियंस आई मस्ट से। लेकिन इस फिल्म के द्वारा मुझे लगता है कि वी कैन रीच टू लार्जर ऑडियंस। मैं इस फिल्म में एक एडवोकेट का रोल अदा कर रही हूँ, सई कारखानिस, जो कि बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन में है। उनके जो हस्बैंड हैं वो एक शेफ हैं और आजकल की भागदौड़ में हम लोग जिंदगी जीना भूल जाते हैं। मतलब हम चाहते तो है जीना एक दूसरे के साथ, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि हर इशू हम डीले करते जाते हैं कि बोलते हैं कि नहीं आज नहीं, अभी दो दिन के बाद, चार दिन के बाद, छह दिन के बाद। और उसमें कई अहम चीजें जिंदगी में जो हमें करनी है, जो करना चाहते हैं हम, वो पीछे हट जाती है। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा इशू हो जाता है जो बहुत बड़ा इशू आता है, तब हम एक रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बहुत सारी चीजें छूट गई है हमारे हाथ से। सई कारखानिस की लाइफ में ऐसे ही होता है। एक दिन उसको पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड किसी और मर्द के साथ उनकी रिलेशनशिप्स हैं। एक तो हिल जाती है। बीइंग एन एडवोकेट उसने कई सारी ऐसी केसेस चलाई हैं, किसी और के लिए वो लड़ी है, लेकिन खुद की लाइफ में जब भी होता है तो वो हिल जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो समाज का डर होता है, फैमिली का डर होता है, दोस्तों का डर होता है, बच्चा है घर में उसको क्या बताएं, एड्स जैसे मतलब कई सारी बीमारियां उससे जुड़ी हुई है, तो कई सारी कन्फ्यूजन्स है जिसके बारे में हम खुल के बातें नहीं करते हैं। तो इस फिल्म के द्वारा मुझे लगता है कि हम उन सारी पॉसिबिलिटीज, जो ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ हो गई तो क्या क्या हो सकता है उसकी लाइफ में, कितना प्रॉब्लम ये कितना बड़ा हो सकता है, ये कैसे डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की ये कोशिश है। बेसिकली इट इज ऑन मैन वुमन रिलेशनशिप। मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है सई कारखानिस, जो बम्बई हाईकोर्ट में एडवोकेट है, और उनके हस्बैंड है आदित्य, जो फाइव स्टार होटल में शेफ का काम करते हैं। तो इन दोनों प्रोफेशनल यंग कपल ऑफ मुंबई, जिनकी लाइफ अपने प्रोफेशनल डिमांड्स, आज की हेक्टिक लाइफ, ये सब, ये इसके बारे में हम लोग उसकी टेंशन्स को भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्या होता है। साथ साथ ये भी खोजने की कोशिश की है इसमें कि जब सई को पता चलता है कि आदित्य के समलिंगी संबंध हैं, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप ही इज हैविंग, तो क्या होता है, हाउ डज शी डील विद दैट, हाउ डज शी डील विद लाइफ, हाउ डज आदित्य डील विद ऑल द थिंग्स, सई की माँ है वो किस तरह से इसके साथ डील करती है, आदित्य के पिताजी हैं वो किस तरह से डील करते हैं, उनके इर्द गिर्द नजदीकी जो करीबी दोस्त हैं वो कैसे डील करते हैं, ये सब हम फिल्म में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो जिंदगी जी है वो हमेशा कोई इशू अवॉइड करके नहीं जी है। मैं ये मानता हूं कि हमारी जिंदगी से जुड़े हुए जो मैंने पहले भी कहा सवालात हैं, उनके सवालातों को फेस करना, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करना, इसमें मैं विश्वास करता हूं। अगर ऐसे कोई सवालात हैं जो मुझे अनकंफर्टेबल करते हैं
तो वो नजरअंदाज करने से वो सवाल गायब नहीं होते. इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू शुड अप्रोच डील विद देम यू फेस देम तो ज्यादा अच्छा होता है. ये मेरा पर्सनल फेथ रहा है और मैंने जिंदगी जो जी है वो इसी तरह जी है. तो उसी तरह से ये जो कोई क्वेश्चंस है अबाउट होमोसेक्सुअलिटी हो, अबाउट सेक्सुअलिटी हो, अबाउट मैन वुमन रिलेशनशिप हो, तो इनको अवॉइड करने के बजाय इनका सामना करके इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. ये मेरा फेथ रहा तो इसलिए वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन ना तो मैंने उस ढंग में बात की है, ना तो मेरे हाथ के मैनरिज्म्स ऐसे हैं, ना कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, वैसे ही मैंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया है. एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर. आई मीन व्हाई गो इनटू द मैनर, व्हाई डू वांट टू स्टैम्प इट एंड से दैट ही इज अ होमोसेक्सुअल? नो, आई डोंट थिंक सो. मृणाल की परफॉर्मेंस आप देखिए, इसमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. इनफैक्ट एवरी कैरेक्टर इन माई फिल्म हैज गिवन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. सारे लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है. बहुत मतलब एक एक कैरेक्टर इतना उभर आया है, इतना निखर आया है कि आई एम क्वाइट श्योर ऑडियंसिस वुड लव दैट. इस फिल्म के जरिए मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे का जो कोई चॉइस हो, किस तरह की जिंदगी वो जीना चाहता है, वो चॉइस करने का पूरा हक सिर्फ उसी को होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए. जैसे मैं किस तरह की जिंदगी जी लूं ये तय करने का हक मुझे है. मैं चाहूंगा कि ये मुझे ही हो और सिर्फ मुझे को हो. वैसे ही किसी को भी वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है वो चुनने का हक उसको होना चाहिए. और अगर हम लोग ये रिस्पेक्ट करना शुरू करें तो जिंदगी और खूबसूरत बन जाएगी. अगर हम लोग दूसरे की चॉइस को भी रिस्पेक्ट करें, आई मे नॉट एग्री विथ द वे यू लिव, यू मे नॉट एग्री विथ माई काइंड ऑफ लाइफ, लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर. यू हैव अ राइट टू चूज योर लाइफ. आपकी जिंदगी चुनने का अधिकार सिर्फ आपको होना चाहिए. ये मैं कह रहा हूं इस फिल्म के जरिए. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट दैट. और मैं किसी का हक छीन नहीं रहा हूं. इनफैक्ट मैं किसी को हक देने की बात कर रहा हूं. तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा ही लगेगा ये.